नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हमारे चार क्वेश्चन आपके आगे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया, नाइन्थ नंबर दिया है, प्रोपीन का रिएक्शन क्या है? यहाँ पर लिखा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, शॉर्ट लिखा मैंने, आपको ऑलरेडी रिएक्शन जानते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के बाद ए बनेगा, ए का ऑक्सीडेशन रिएक्शन का विद पीसीसी पिरिडिनियम क्लोरो क्रोमेट सी देगा, इसका रिएक्शन क्या ओएमडीएम से बी देगा, फिर पीसीसी से रिएक्शन करने पर डी देगा। रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड डी इज पोजिशन आइसोमर्स, चेन आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स। क्वेश्चन 10 दिया गिव द करंट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक और एडिशन रिएक्शन। RCOCl मींस एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन्स एस्टर्स, सब में R हम अज्यूम करते हैं कि सेम है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, चार कंपाउंड दिए हैं, बताना कौन सा होगा। 12th क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव टाइप का है, कि ऑब्जेक्टिव था बट ऑप्शंस के लिए स्पेस कम है तो थोड़ा सा मैंने कंजूसी कर ली है। यहाँ पर आपका स्पेस आपको जो है आपको बताना है कंपाउंड क्या होंगे। ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछता है कि इन द रिएक्शन सीरीज आइडेंटिफाई डी सी और ई और ए और बी और इन द रिएक्शन सी एंड डी रेस्पेक्टिवली आर टाइप क्वेश्चन कैन बी गिवन टू यू। ठीक है, तो आपको इसमें चारों क्वेश्चन नोट करके ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ लेट्स कम ऑन सॉल्यूशन पार्ट। पहला क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पर सिंपल रिएक्शन में क्या देगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या आता है ए प्रोपेनॉल देगा, इसमें क्या बनता है ए आपका आएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, और सी क्या होगा एल्डिहाइड आएगा प्रोपेनॉल। यहाँ पर क्या होगा ओ एम डी एम करने पर ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन करने पर एसिड आपका देगा इसमें प्रोपेन टू और यहाँ पर डी क्या आपका आएगा एसीटोन। तो क्वेश्चन पूछा है रिलेशन क्या है सी और डी में, तो क्या होगा इसमें रिलेशन, देखिए वी कैन नॉट कॉल देम एज पोजिशनल आइसोमर्स, एक एल्डिहाइड है पूरा कंपाउंड सेपरेट सीरीज होता है इनका, एक कीटोन्स है एल्डिहाइड, देखो पोजिशन क्या होता है कि कंपाउंड शुड हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड कीटोन्स को हम डिफरेंट ग्रुप मानते हैं, हम कॉमन बोलते हैं देम, वी कॉल देम कॉमनली कार्बनल कंपाउंड्स, बट ये डिफरेंट ग्रुप होते हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। चेन नहीं है, चेन क्या होता है दे शुड हैव सेम कार्बन चेन लेंथ एंड सेम फंक्शनल ग्रुप एट डिफरेंट पोजिशन, तब होगा आपका पोजिशन। और यहाँ पे चेन में क्या होता है चेन लेंथ डिफरेंट होना चाहिए, दोनों केस में स्ट्रेट कार्बन चेन है, कोई मीनिंग नहीं चेन का। स्टीरियो आइसोमर जो है नहीं इस केस में, केवल एक ऑप्शन बचता है फंक्शनल आइसोमर्स, और वही है क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड कीटोन्स एक्टिंग एज फंक्शनल आइसोमर्स, इनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं भाई कॉमन रिएजेंट्स। अगला क्वेश्चन है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, तो इसको हम क्या देखते हैं इस केस में अटैक कहां पर इजी हुआ या फास्टर होता है, अटैक इजी या फास्ट वहां पर होगा जहां पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज्यादा होगी, मतलब जिस भी स्ट्रक्चर के अंदर कार्बन पर हाई डेल्टा प्लस चार्ज होगा उस केस में रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इन कंपाउंड के लिए, देखते हैं आंसर के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है RCOCl में, इसमें ऑर्डर क्या है, वैसे आपका लकीली मैंने ऑर्डर सेम ही लिखा है 1 2 3 4 में ही है, इसका रीजन समझ लेते हैं। देखो 1 में क्या है Cl का नेगेटिव आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, क्लोरीन में क्या होता है नेगेटिव आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन डोमिनेट करता है ओवर प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देगा भी लेकिन यहाँ पर इसका नेगेटिव आई ज्यादा होता है प्लस आर के कंपैरिजन में, तो कार्बन एटम है हाई डेल्टा प्लस चार्ज और मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इसलिए अटैक यहाँ पर फेवर होगा ज्यादा। फिर आएगा एल्डिहाइड में, कीटोन में क्या होता है प्लस आई इफेक्ट काम करेगा और यहाँ पर क्या होता है प्लस आर इफेक्ट काम करता है जिससे कार्बन एटम क्या होगा लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इस सी को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे इस ऑक्सीजन एटम से भाई क्रॉस कंजुगेशन, इसलिए कंपाउंड 4 का रिएक्टिविटी कम होगा कीटोन्स के कंपैरिजन में फॉर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, इसमें कंडीशन क्या होता है एल्डोल के लिए द कंपाउंड शुड हैव अल्फा हाइड्रोजन एटम, एटलीस्ट एक या एक से ज्यादा अल्फा होना कंपलसरी है तभी एल्डोल रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ पर क्या है पहला कंपाउंड है क्लोरल एल्डिहाइड है बट यहाँ पर क्या है जब हम अटैक करेंगे OH का तो OH को रिप्लेस कर देगा, इसको हम नहीं ले सकते हैं, इसमें अल्फा एच है नहीं, ये कीटोन है बट इसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे हैं, यहाँ पर अल्फा एच नहीं है तो खाली एक ऑप्शन है सी
जिस कंपाउंड के पास अल्फा हाइड्रोजन है और ये आपका रिएक्शन देगा। अगला आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो लेट अस राइट द रिएक्शन सीक्वेंस। हम बोर्ड साफ कर लेते हैं सॉल्यूशन लिखने के लिए। देखिए यहां पर पहले क्या होगा, पीसीसी का हमने रिएक्शन किया एक्सेस में, तो क्या बनेगा, पहले जो कीटोन यहां अल्कोहल था, सेकेंडरी बिकम कीटोन, यहां पे प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या बनेगा आपका एल्डिहाइड। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया ए, कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल विल चेंज टू कीटोन बाय एक्शन ऑफ पीसीसी। व्हाट इज पीसीसी? पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, कैसा होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगला रिएक्शन किया हमने ग्लाइकोल से HN1 इक्विवेलेंट। अब जब रिएक्शन करते हैं ग्लाइकोल से तब क्या होगा, यहां पर ये बनेगा एसिटल फॉर्मेशन, ये कंपाउंड ग्लाइकोल है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है, देखो यहां पर दो ग्रुप है, एक ग्रुप एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होता है? कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे कंपाउंड में दो या तीन CO ग्रुप लगे हों, मे बी एल्डिहाइड कीटोन, तो हमको चेक करना है कि जिस कार्बन के पास ज्यादा रिएक्टिविटी होगा, हिंड्रेंस कम होती है, कार्बन में डेल्टा प्लस ज्यादा चार्ज होगा, उस केस में अटैक जल्दी कराएंगे। तो इस केस में हमारा अटैक कहां पर होगा, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, तो इन द रिएक्शन क्या होगा, एल्डिहाइड से आपका O लॉस होगा, यहां से दो H लॉस होंगे और क्या बनेगा, एसिटल। और एसिटल क्या होते हैं, एक बार बन गए एसिटल्स, फिर ये स्टेबल हो जाएंगे फॉर रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन रिडक्शन, और अदर रिएक्शंस। अब इसका ये कंपाउंड बन गया हमारा B, अब CH3MgBr कहां पे अटैक करेंगे, ऑब्वियसली जो खाली कीटोन ग्रुप फ्री रह गया, और बाद में क्या इसका हमने एसिडिफिकेशन, तो क्या देगा प्रोडक्ट आपका C, टर्शियरी अल्कोहल आपका देगा इस पोजीशन पर, और अभी भी CH पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है एसिटल के फॉर्म में, ये कंपाउंड आपका बन गया C। अब C का रिडक्शन किया, अच्छा साथ में जब इसका हमने रिएक्शन किया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो साथ में क्या हो जाएगा, पहले आपका ये बनेगा, फिर एल्डिहाइड आपको वापस मिल जाएगा इसमें, क्योंकि जब हमने लगाया इसमें एसिडिक मीडियम कंडीशन दे दी, तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, जो एसिटल बनता है वापस क्या बन जाएगा इसमें, ग्लाइकोल बनकर बाहर हो जाएगा, और हमारा ये एल्डिहाइड कंपाउंड आपको वापस मिलेगा, ये कंपाउंड आपको मिलेगा सी। अब सी का हमने रिएक्शन किया सोडियम बोरोहाइड्राइड से, तो क्या आएगा प्रोडक्ट आपका यहां पर डी, टर्शियरी अल्कोहल आपका सेम रहेगा, और ये बनेगा CH2OH। अब हमने ये हमारा कंपाउंड बनेगा डी, अब डी का रिएक्शन फिर से किया हमने किससे, पीसीसी एक्सेस से लिया, तो क्या होगा प्राइमरी अल्कोहल बिकम एल्डिहाइड, टर्शियरी अल्कोहल नो रिएक्शन, मींस आपका वापस कंपाउंड सेम बन जाएगा सी। तो हम बोलते हैं सी एंड ई क्या है, सेम कंपाउंड, क्योंकि यहां पर क्या होता है पीसीसी का रोल क्या है, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे किसमें, एल्डिहाइड में, और यहां पर एक अल्कोहल टर्शरी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा ये वाला भी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। यहां पर आपको मैंने दिए हैं 13, 14, 15, 16, 17 पांच क्वेश्चन यहां पर दे रखे हैं, आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा, सारे क्वेश्चंस यहां पर नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना सोल्यूशन चेक करिए। ठीक है हम आते हैं सोल्यूशन पार्ट पर भी। पहला क्वेश्चन था गिव द करंट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट ऑफ द गिवन कंपाउंड्स, कंपाउंड नंबर 1, 2, 3 दिया है, अंडरस्टूड है 3 होगा, तो इसमें हम कैसे चेक करेंगे, देखो हमको देखना है पोलैरिटी ऑफ CO बॉन्ड, सब में CO बॉन्ड कॉमन है, तो एक्स्ट्रा फैक्टर क्या है, एक्स्ट्रा फैक्टर यहां पर एक मिथाइल ग्रुप है जिसका प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, यहाँ दो मिथाइल ग्रुप हैं जिनका कंबाइंड प्लस आई इफेक्ट काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा सी पर और देन बढ़ाएगा यहाँ पर, तो थर्ड का हाईएस्ट हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो आपका इधर जाएगा पोलैरिटी का, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे उससे इस बॉन्ड का पोलैरिटी और बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डायरेक्शन देखो सबका, अगर आप देखो लास्ट स्ट्रक्चर को हम देखते हैं ऐसे करके, ये CH3 का डायरेक्शन जो डायपोल का है वो ऐड हो जाएगा और नेट डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा इस कंपाउंड का, समझ में आया,
एक्स्ट्रा पॉइंट हम बोलते हैं ड्यू टू ऑल्सो हाइपर कंजुगेशन, अल्फा एट ज्यादा होंगे उतना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं इस साइड सीओ को बॉन्ड को भी, इसलिए भी हम बोलेंगे इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट है, फिर इसका। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। अब आते हैं 14 पे, गिव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन और अटैक। देखो यहां पर क्या होता है, रिएक्शन के लिए हमको देखना पड़ता है किस केस में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। जिस भी केस में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा। ऐसा क्वेश्चन ये हो या ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिले आपको यही पॉइंट सोचना पड़ेगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है और आपको अटैक करना है, तो हमें देखना है किस भी केस में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं वो कंपाउंड को रिएक्टिविटी बढ़ाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंपाउंड को रिएक्टिविटी कम करते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या आएगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका आएगा, कंपाउंड नंबर 2 Cl डेफिनेटली नेगेटिव आयन डोमिनेट करता है, इसका हिंड्रेंस भी ज्यादा नहीं है इसमें, तो 2 का रिएक्टिविटी मैक्सिमम रहेगा इसमें। अब रहेगा उसके बाद में कंपाउंड नंबर 5, इसका रीजन क्या है, देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, क्रॉस कंजुगेशन दोनों साइड रहेगा, तो नेट इलेक्ट्रॉन कम मिल पाएंगे कार्बन को, तो कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी रहेगा कार्बन के पास, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां चला गया तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ हो जाएंगे यहां से डिस्पाइट इसका प्रसार इफेक्ट है। फिर यहां पर रहेगा, अब इसमें क्या है, एक ही काम करेंगे ये ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे यहां पर, और यहां पर ग्रुप ऐसा नहीं है, यहां पर खाली प्लस आई इफेक्ट है, यहां प्लस आर इफेक्ट होगा, तो प्लस आई और प्लस आर में क्या है, प्लस आर भी डोमिनेट, तो थर्ड कंपाउंड रहेगा 1। अब रहेगा 4 और 3 में, तो 4 में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी कम है OH का कंपेयर टू नाइट्रोजन, तो 4 इज मोर रिएक्टिव एंड देन थर्ड इज लीस्ट रिएक्टिव। ये हमारा पूरा सीरीज बनेगा इन कंपाउंड के रिएक्टिविटी ऑर्डर को लेते हुए। अब आते हैं क्वेश्चन 15, 16, 17, एक्चुअली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही है, यहां पर मैंने यहां पे ऑप्शंस हटा दिए हैं, खाली ऑप्शंस मैंने यहां पे नहीं दिए इन क्वेश्चंस में, तो आपको फिर भी क्वेश्चन ट्राई करना है, अगर आप आंसर निकाल पाएंगे तो ऑप्शन तो मतलब कोई टेंशन वाला बात ही नहीं है इसमें। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहला कंपाउंड क्या है, PHCHO, यहां पर कौन सा रिएक्शन है, ऑक्साइम फॉर्मेशन, PHCH डबल बॉन्ड NOH, यहां पे दो बनेंगे ऑक्साइम यहां पे, बट मैं उसमें फिलहाल दरकार नहीं है, एक ही कंपाउंड बनाएंगे ऑक्साइम, यहां पे दो बनेंगे ऑक्साइम, एक सिन और एक एंटी। अब इसमें क्या है, हमने इसको हीट किया P2O5 से, हम अगर हीट करते हैं P2O5 या हीट करते हैं विद एसिटिक एनहाइड्राइड या कोई और डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो काम क्या है, ऑक्साइम्स के अंदर क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहां से H, यहां से OH लॉस होगा और प्रोडक्ट क्या बनता है, साइनाइड्स। तो ऑक्साइम्स को अगर हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ P2O5 और एसिटिक एनहाइड्राइड या कोई और होगा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, तो क्या बनाएगा ऑक्साइम से, अल्काइल साइनाइड। तो आपका ये कंपाउंड हो गया ए और आपका ये हो गया कंपाउंड बी, कहानी खत्म क्वेश्चन 15 की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, 16 में क्या दिया है, देखो पहले हम इस पे समझते हैं, NaNO2 का जब रिएक्शन होता है HCl से तो क्या बनता है इस रिएक्शन में, HNO2 प्लस NaCl बनके बाहर होगा, और ये कंपाउंड क्या होता है, ब्रेक होता है तो क्या बनता है, HNO2 का ये स्ट्रक्चर होगा, एसिडिक कंपाउंड है, H प्लस लेगा वाटर से, एसिडिक मीडियम से, और फिर क्या होता है, वाटर का एलिमिनेशन करके क्या बनता है इस केस में, इलेक्ट्रोफाइल बनाता है नाइट्रोसोनियम आयन। तो यहां पर जो पहला पॉइंट हमारा वही है कि इस केस में जो मिक्सर था NaNO2 और HCl का क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा NO+, और वो अटैक करेंगे कीटोन में। कीटोन में कैसे अटैक करता है, पहले कीटोन क्या होगा, टॉटोमराइजेशन, इनॉल फॉर्म में हम इसको ऐड कर पाएंगे, तो पहले ये होगा टॉटोमराइज, तो OH ग्रुप डबल बॉन्ड CH2, और फिर इस पे ऐड होगा NO कहां पर, CH2 के पास, रेजोनेंस हेल्प करेगा रिएक्शन को होने में, क्या बनेगा पीएच, इसको मैं यहां लिखता हूं नीचे, यहां मेरा पीएच सी ओ पर प्लस चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड रहेगा इसमें, सिंगल बॉन्ड CH2 NO, और अब इसमें क्या है,
एच प्लस आयन लॉस हो जाएगा वाटर के हेल्प से, या सीएल नेगेटिव हेल्प करेगा इसको, तो एच आयन को क्या होगा निकालने के पास पश्चात ओ होगा न्यूट्रल और कंपाउंड क्या बनेगा हमारे पास पीएच सीओ सीएच टू एनओ, ये बन गया हमारा नाइट्रोसो कंपाउंड। लेकिन ये कब स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल केवल तब होते हैं अगर कंपाउंड पे अल्फा एच नहीं है, अगर कंपाउंड पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो क्या होगा ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें ऑक्साइम्स में, तो इसमें क्या हो जाएगा ये टॉटोमराइज हो जाएंगे और क्या बनेगा टॉटोमराइजन होने के बाद पी एच सी ओ सी एच डबल बॉन्ड एनओ एच नाइट्रोसो ऑक्साइम टॉटोमराइजन अल्फा एच मूव करेगा यहां से लेके इस पोजीशन पर, तो यहां पे डबल बॉन्ड आएगा और यहां पर जाएगा एनओ सिंगल बॉन्ड, ये हमारा कंपाउंड बनेगा सी। अब सी को हमने हीट किया एसिटिक एनहाइड्राइड से, ये क्या होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, लॉस करेगा वाटर का तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहां पर यहां से एच लॉस होगा यहां से ओएच लॉस होगा तो क्या होगा पीएच सीओ सी ट्रिपल बॉन्ड सीएन, ये कंपाउंड हमारा बन गया डी। अब डी का हमने किया रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में तो क्या बनेगा ई साइनाइड्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड्स सीओ सीओओएच, ये हमारा कंपाउंड बनेगा रिएक्शन सीक्वेंस के अंदर ई। तो एक तरह से आपका ये नया रिएक्शन भी आपको मिल गया कि एडिशन ऑफ HNO2 या ये हमेशा बनाते हैं मिक्सर में बिकॉज HNO2 क्या होता है अनस्टेबल टाइप कंपाउंड होता है और क्या होता है ये जाता है इट अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, HNO2 का क्या होता है रिएक्शन हो जाएगा डिसप्रोपोर्शनेशन का। तो होता क्या है कि जब हमें रिक्वायर्ड हुआ HNO2 तो बनाते हैं, कैसे बनाएंगे बाई रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl, ये बनाता है HNO2, ये हमारा हेल्प करता है रिएक्शन में, और भी रिएक्शन में काम आता है लाइक रिएक्शन ऑफ डायजोटाइजेशन। फिलहाल आपका ये रिएक्शन है एनओ प्लस इलेक्ट्रोफाइल बनेगा अटैक करेंगे, पहले बनता है नाइट्रोसो कंपाउंड और वो टॉटोमराइज करते हैं ऑक्साइम्स में, वो केवल इस फॉर्म में तब रह सकते हैं अगर यहाँ पे अल्फा एच नहीं होगा तभी रहेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। तो ये वो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 की कहानी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 क्या है इसमें, ये हमारे पास कंपाउंड दिया है साइक्लोपेंटेनॉन, इसका जब रिएक्शन किया KCl HCl से तो क्या बनेगा इसमें दे विल फॉर्म साइनोहाइड्रिन CN और OH ग्रुप, ये बन गया A। जब हमने A का रिएक्शन किया रिडक्शन का AlCl4 से तो क्या बनता है CN ग्रुप का रिडक्शन होगा इसमें अमीन्स में और हमको इसमें प्रोडक्ट मिलेगा इस केस में CH2NH2 और OH ग्रुप रहेगा, ये हमारा कंपाउंड बन गया B। अब जब हमने B का रिएक्शन किया NaNO2HCl से तो क्या होता है यहां पर होता है रिएक्शन ऑफ डायजोटाइजेशन, अगर अमीन्स होंगे तो और क्या होगा इस रिएक्शन में NaNO2+HCl फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट, इसका आपको मैकेनिज्म भी दूंगा मैं अमीन्स टॉपिक के अंदर। फिलहाल आप समझ लीजिए कि यहां पर होगा रिएक्शन ऑफ डायजोटाइजेशन तो क्या बनेगा इस केस में CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हो जाएगा और यहां पे OH ग्रुप है। अब यहां पर क्या होता है N2 ग्रुप कैसा है एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो N2 मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और फिर क्या होता है यहां पर रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, यहां पर हमारी 5 मेंबर रिंग है 6 मेंबर रिंग बनेगा आराम से, नहीं होगा तो भी उसका रीजन क्या है इसका कंजुगेशन, तो यहां पे क्या बनेगा हमारे पास एक 6 मेंबर रिंग बनता है एक जगह पे ओ एच यहां पे प्लस चार्ज रहेगा और अगला CH2 से जुड़ जाएगा अगले पोजीशन में यहां पर, और फिर क्या होता है H, अगर हम नंबरिंग करते हैं कि कौन सा आइटम कहां चला गया दिखा रही है आपको ढंग से तो आप नंबरिंग कर लो आइटम पे, इसको हम नंबर 1 बोलते हैं कार्बन को, कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 कार्बन नंबर 4 कार्बन 5 कार्बन 6, तो कार्बन नंबर 3 एंड 1 अटैच हो जाएंगे, ये कार्बन नंबर 1 होगा कार्बन नंबर 3 होगा, कार्बन 2 से बॉन्ड ब्रेक हुआ था 1 का तो यहाँ पे 2 पे प्लस चार्ज था लेकिन वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद 4
फाइव सिक्स, कार्बन सिक्स और टू अभी भी अटैच्ड है, और फिर क्या हुआ एच एन का एलिमिनेशन विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो क्या फर्क बनेगा लास्ट में हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉन, ये हमारा प्रोडक्ट आ गया इस रिएक्शन का, ये था ए बी और ये लास्ट में हुआ सी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं लास्ट जो स्टेप हुआ बी टू सी बनाने को, एक पिनाकोल का ही मॉडिफिकेशन है, इसको कहते हैं पिनाकोल डायएजोटाइजेशन टाइप रिएक्शन। ये डिस्कस पिनाकोल पिनाकोलोन रिअरेंजमेंट अगर आपके विस्टल डायल्स होते हैं उस केस में, तो उसी टाइप का पिनाकोल तो नहीं यहां पर है, बट एक NH2 ग्रुप है एक OH ग्रुप है ऑन विजिबल पोजीशंस, तो यहां पे NH2 चेंज होता है N2+ में, N2+ बाहर निकलता है, उसके बाद यहां पर रिंग एक्सपेंशन कर देगा और प्रोडक्ट बनता है कीटोन। ठीक है, चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ये बट आपको मैंने यहाँ पे ऑप्शन हटा दिए हैं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द लास्ट प्रोडक्ट, कि आपका इसमें ए क्या होगा, इसमें जेड क्या होगा, इसमें आपका एस क्या होगा, इसमें बी क्या होगा और यहाँ पे वाई क्या होगा। मेरा एम है कि आप क्वेश्चन सारा सीखें बनाना, तो इसलिए आप सारे कंपाउंड को मैंने चेंज कर दिया है सभी टू टाइप क्वेश्चन में, कि सीक्वेंस आपको पूरा करना पड़ेगा। इसमें पहला क्वेश्चन ये है PHCOCH3 I2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, X आपका येलो पीपीटी है, Y Y को हीट किया Z बनता है, Z का रिएक्शन क्या CH3MgBr देन एसिडिफिकेशन A बनता है। तो आप सारे क्वेश्चन अनाउंसमेंट कर लीजिए, आप सारे क्वेश्चन नोट करके एक बार ट्राई करो सारे क्वेश्चंस को, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करिए। चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर। हम देखिए स्पेस थोड़ा सा कम है मेरे पास बोर्ड पर, तो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं 22 क्वेश्चन को, यहां से शुरू करते हैं फिर बाद में हम स्टार्ट से चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ, NaOH दिख रहा है, यहाँ पे अल्फा एच है, यहाँ पे अल्फा एच नहीं है, तो रिएक्शन क्या है, एक साइड अल्फा एच होगा तो रिएक्शन होगा यहाँ पर क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बेस के प्रेजेंस में क्या होगा, ये अल्फा एच लेगा यहाँ से, बेस में टेक फ्रॉम अल्फा एच और क्या बनेगा इस केस में कंजुगेट बेस और न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे का माइनस चार्ज, फिर वो अटैक करेंगे इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्टिहाइड एज न्यूक्लियोफाइल, और बाद में का वो वाटर से एच ले लेगा, तो क्या होगा प्रोडक्ट बनेगा आपका फाइनली यहां पर देखो यहां पर क्या होता है बेंजीन विन कमिंग कंजुगेशन, तो आपको हीट भी नहीं करना पड़ता है, बिना हीट के ही आपका प्रोडक्ट बनेगा इस केस में, यहां पे दोनों एच चले जाएंगे नेट रिएक्शन से और यहां से ओ पूरा चला जाएगा सी एच पी एच, ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस रिएक्शन में। एक्स ध्यान रखिए अगर हमारे बेंजीन रिंग आएगा कंजुगेशन में, देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो आपको हीट नहीं करना पड़ता है, तो ये हमारा कंपाउंड बना X। अब अगला रिएक्शन कौन सा है, हाइड्रोजन N2H4 लेते हैं सेम एस NH2 हाइड्रोजन OH नेगेटिव हीट किया, तो क्या रिएक्शन होगा यहाँ पर वोल्फ किशनर रिडक्शन, क्या होगा रिएक्शन में यहाँ पे कीटो ग्रुप प्रोड्यूस होगा एल्केन में, बट एल्कीन बॉन्ड फर्क नहीं पड़ेगा, एल्कीन आपका सेम रह जाएगा, तो कंपाउंड हमारा वाई क्या होगा रिएक्शन में, CH, PH, यही हमारा आंसर था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन था कि व्हाट इज बाई इन द रिएक्शन सीक्वेंस, तो हम प्रोडक्ट बाई बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो एक हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 22। अब आते हैं वापस स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में क्या है, देखिए PHCOCH3I2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां पर पहला रिएक्शन क्या है आयोडोफॉर्म रिएक्शन है, येलो पीपीटी क्या हुआ X, तो येलो पीपीटी बन जाएगा आपका एक्स यहाँ पर सी एच आई थ्री, मैं एक्स लिख रहा हूँ सी एच आई थ्री, और वाई क्या बनेगा इसमें यहां से ब्रेक होने के बाद पी एच सी ओ ओ माइनस, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है साथ में देखिए यहाँ पे सॉल्ट किसका होगा कैल्शियम का, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा वाई, अगर होता सोडियम तो बनता एक ही रूप आता पी एच सी ओ ओ नेगेटिव आयंस, बट यहाँ पे साथ में बेस क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो आपका ये कंपाउंड होगा। अब इसका रिएक्शन क्या होता है हीट करने पर क्या होगा लॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कीटोन फॉर्मेशन करेगा इस रिएक्शन में, तो आपका प्रोडक्ट आएगा इसमें पीएच सीओपीएच प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कंपाउंड आ गया जेड, बाई प्रोडक्ट लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अब इसका रिएक्शन किया हमने किससे सीएच थ्री
MgBr, और बाद में क्या इसका एसिडिफिकेशन तो क्या आएगा, ग्रिनर्ड एजेंट है, कीटोन से रिएक्शन करता है उसमें, फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अल्कोहल पीएच ओएच पीएच सीएच3 ग्रुप इसमें एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो ये हमारा कंपाउंड आएगा रिएक्शन में ए। तो ये पूरा सीक्वेंस कंप्लीट हुआ, एक्स हुआ आयोडोफॉर्म, वाई हुआ इसमें कैल्शियम बेंजोएट, जेड हुआ आपका बेंजोफिनोन, और ये कीटोन है तो क्या देगा टर्शियरी अल्कोहल आफ्टर एसिडिफिकेशन, तो ये हमारा कंपाउंड ए आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 की कहानी खत्म होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आप आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं अगर डाउट हो तो। अब आते हैं क्वेश्चन 19 में क्या है, देखो KOBr का मीनिंग क्या होता है, ब्रोमीन प्लस KOH, वही अपन आएगा KOBr। तो यहां पर क्या होगा इन 19th क्वेश्चन, इस कंपाउंड में OH नेगेटिव आयन और Br2 होगा, तो क्या होगा जस्ट लाइक योर आयोडोफॉर्म रिएक्शन, यहां पर जो H होंगे ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो स्लोली क्या होगा यहां से एक Br आएगा, दो Br आएंगे, और फिर थर्ड H तो है नहीं तो अटैक हुआ इस न्यूक्लियोफाइल, फिर बॉन्ड ब्रेक होता है। तो इस रिएक्शन सीरीज में क्या हुआ, अल्टीमेटली एक हमारा कंपाउंड बनेगा इस टाइप का, CO नेगेटिव आयंस, पोटेशियम साथ में रहेगा, प्लस CHBr3। ये भी कंपाउंड आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट देंगे तो ऐसे बनाएंगे, और फिर क्या होगा इसका जो अगला स्टेप होगा इसको हम कर देंगे एसिडिफाई, तो COOH आपके द्वारा बन जाएगा, इसमें ये आपका बन जाएगा थैलिक एसिड, ये कंपाउंड हमारा अच्छा। इसका हीट भी क्या है, हीट भी क्या होगा डिहाइड्रेशन, वाटर लॉस कर देंगे, तो आपको क्या देगा प्रोडक्ट और हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड, ये हमारा कंपाउंड आपका हुआ जेड फाइनली, इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। ये हमारा सीरीज कंप्लीट होता है क्वेश्चन 19 के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन 20 पे। ये आपका मिडल में जो CH2 है देखो, पहले आएगा CBr2, फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा अटैक करने के बाद, फिर C पर माइनस चार्ज होगा, H लेगा, फिर एक H होने के बाद CBr3 बाहर निकलेगा फाइनली, तब ये कंपाउंड हमारे प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्शन में, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्वेश्चन इसी टाइप क्वेश्चन है, क्लोरीन साथ में है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो क्या होगा पीएच, ये भी आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट है, कंपाउंड टेस्ट होगा पीएच CH2 CO O होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस ये CH3 पार्ट चेंज होगा क्लोरोफॉर्म के अंदर। अब इसको हीट किया है बिना किसी और कंडीशन के, तो आपका इसका मीनिंग क्या होगा, ये कंपाउंड होगा इसको जब हीट करेंगे तो क्या होगा लॉस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक तरफ क्या जोड़ा रहेगा पीएच CH2 CO और एक साइड से आपको मिलेगा CH2 PH, ये हमको मिलेगा प्रोडक्ट इस रिएक्शन में, ये था एक P हो एक Q, इसमें ये हमारा कंपाउंड होगा इसमें Q, ये हमारा P हो गया। अब Q को हीट करने पे क्या मिलता है कंपाउंड हमारे पास, R मिलता है, R में अल्फा हाइड्रोजन है, दो साइड पे अल्फा हाइड्रोजन है, और इसका हमने रिएक्शन किया है, अगर मैं इसको लिख लेता हूं H, चलो कोई नहीं दोबारा लिखते हैं, ये हमारा कंपाउंड बन गया R। अब R का जब हम रिएक्शन करते हैं ग्लाइऑक्सल से OH नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में हीट करने पर क्या हुआ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एक साइड में अल्फा H है और एक पे अल्फा H नहीं है, दो CHO ग्रुप है तो आपका दो साइड पे अल्फा H होंगे, तो रिएक्शन आपका सिमेट्रिकल टाइप कंपाउंड का हो जाएगा, और हम लिख सकते हैं इसको पीएच CH2 CO CH2 और PH, और यहां पर क्या होगा CH COH, तो नेट रिएक्शन में क्या होता है एक यहां से O निकालते हैं और अगले कंपाउंड के अल्फा कार्बन से दो H निकालते हैं, जो हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था उसी का पॉइंट हम अप्लाई कर रहे हैं, दो बार ग्रुप होगा इसमें, रिएक्शन में क्या होगा साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाएगा, प्लस कैसा बन जाएगा एरोमेटिक टाइप प्रोडक्ट बन जाएगा, साइक्लिक प्रोडक्ट बनाया
डबल बॉन्ड सी एच सी एच एच, ये होगा हमारा रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट एस। सीरीज कंप्लीट होता है क्वेश्चन 20 का। अब आते हैं 21 पर, ये हमारा रिएक्शन कौन सा होगा, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, उसके हेल्प से बना है एस फॉर्मेशन। अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज पे 21 पे, ट्वेंटी वन क्वेश्चन यहां पर दिया है। पहले हमने इसको बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो क्या आएगा इसमें सी एच डबल बॉन्ड ओ, यहां पे सी एच टू और फिर सी एच ओ, ठीक है। अब ये हमारा कंपाउंड बन गया ए, ए का रिएक्शन किया हमने किससे, के ओ एच हीट किया, तो कौन सा रिएक्शन हुआ फिर से, यहां पर रिएक्शन आपको एग्जाम्पल हुआ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल ये वाला। तो क्या हुआ एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के अंदर हमें देखना है अल्फा एच कहां पे एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं, यहां पे, तो यहां से दो अल्फा एच निकालेंगे ऐसे और निकाल दो, नेट रिएक्शन लिख दो डायरेक्टली, दो यहां से हमने निकाला ओ, तो डबल बॉन्ड आपका रह जाएगा, हो जाएगा इसमें, और यहां पे सी एच टू, यहां से हमने निकाला दो अल्फा एच, ये बन जाएगा प्रोडक्ट, फाइव मेंबर रिंग बनेगा, यहां से दो एच निकलेंगे नेट रिएक्शन में, शॉर्टकट मैकेनिज्म अप्लाई कर सकते हैं आप डायरेक्टली यहां पर, क्योंकि रिएक्शन कैसा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन इंट्रा मॉलिक्यूलर, कौन सा है इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा इस रिएक्शन के लिए, और एक नाइट थोड़ा अच्छा लगेगा दिखने में, फाइव मेंबर रिंग बन गया सी एच ओ बन गया, ये कंपाउंड आपका हो गया इसमें बी ए और बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ हमारा 21, ठीक है, और दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए हमारा अगला सीरीज में क्वेश्चन दिए हैं, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक में। यहाँ पर क्वेश्चन 22 दिए, देखिए थ्योरी मैंने बहुत अच्छे पढ़ाई, थ्योरी को आप ध्यान से कर लीजिए, थ्योरी क्लियर है क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, इसमें टेंशन लेने का बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पर 22 दिया है, एक कंपाउंड दिया है, इसका आप आराम से क्वेश्चन नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कंपाउंड का, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑप्शन बस नहीं दिया इसमें, तो सब्जेक्टिव टाइप कर दिया आपको, ताकि क्वेश्चन करने में थोड़ा कष्ट होगा बट आपके लिए अच्छा रहेगा इसमें। तो इसमें आप क्वेश्चन करिए, इसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनाएगा बताइए सब निकाल के। यहाँ पे ए टू जे आई जे बताना है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग बीटा कीटो एसिड विल नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन ऑन हीटिंग, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, फिर हम सोल्यूशन चेक करते हैं, हो गया। अब आते हैं सॉल्यूशन पार्ट पर, पहले देखते हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ताकि स्पेस खाली हो हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बीटा कीटो एसिड विल नॉट अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, देखिए इसमें क्या होता है, जब रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन का मैकेनिज्म में, तो क्या बनता है इनॉल स्ट्रक्चर बनता है, पहले इनॉल होता है लेटर ऑन टॉटोमेराइज। तो जहां पर हमारा इस केस में जो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा, ये आराम से जाएगा टॉटोमेराइज हो जाएगा एल्किन बनके। यहां पर क्या होता है डबल बॉन्ड यहां पर आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं होता है एज पर द ब्रेट्स रूल, द रीजन कैन बी टेकन हियर द रीजन ड्यू टू ब्रेट्स रूल, उसके हिसाब से डबल बॉन्ड आपका यहां पे आना पॉसिबल नहीं है ब्रिजेंट पोजीशन पर, और सब कंपाउंड में आराम से होगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, देखा था बोनस एक्स्ट्रा क्वेश्चन था एक। अब आते हैं अगले इसमें क्वेश्चंस पे, यहां पर क्वेश्चन दिया है, इसका देखो रिडक्शन किया हमने, लेट्स सॉल्व हियर स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन दिया है 22 पहले, यहां पे हमने इसको रिड्यूस किया, तो क्या आएगा कंपाउंड ए, यहां पर कीटो ग्रुप रिड्यूस होगा अल्कोहल में, और एल्किन बॉन्ड सेम रहेगा। अगला स्टेप क्या है, डिहाइड्रेशन का रिएक्शन होगा, तो डिहाइड्रेशन आपका ऐसे होगा वाटर लॉस, और क्या है प्रोडक्ट बिकम ऑल्सो एरोमेटिक, तो रिएक्शन फेवर करेगा रेडिली, दिस प्रोडक्ट बिकम फ्यूरॉन, एरोमेटिक प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें, तो रिएक्शन फेवर करता है। ये हुआ हमारा कंपाउंड ए और ये हुआ हमारा कंपाउंड बी, हो गया पहला सीरीज खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन 23 पर, देखो यहां पर एक नए टाइप का रिएक्शन है, अगर हम हैलोजन को ऐड करते हैं वन इक्विवेलेंट इन नॉर्मली प्रेजेंस ऑफ सी एच थ्री सी ओ एच, तो यहां पर क्या होता है
कीटोन्स या एल्डिहाइड में पहले कन्वर्ट होते हैं इनॉल स्ट्रक्चर में, और इनॉल में ऐड होता है ब्रोमीन मॉलिक्यूल। एक बीआर ऐड होगा नेट रिएक्शन में, कैसे होगा अगर आप देखना चाहेंगे इस रिएक्शन को, पहले क्या होता है देखिए, यहाँ पर जो हमारा कंपाउंड था 23 के लिए, ये होगा टॉटोमराइज करेंगे इसको पहले, इनॉल बनाएगा टॉटोमराइज होने के बाद, क्योंकि रिएक्शन एडिशन के टाइम हमको इनॉल चाहिए होता है। और फिर बीआर टू मॉलिक्यूल्स में जब ऐड करेंगे तो कहाँ पर ऐड होगा, कंजुगेशन में है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो सी पर आएगा माइनस चार्ज और वो अटैक करेगा बी आर टू पर, एक बी आर नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। तो क्या बनेगा आपका स्ट्रक्चर में, ओ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, एक बचेगा लोन पेयर और यहाँ पे आपका ब्रोमीन ऐड हो गया। फिर क्या सेकेंड बी आर नेगेटिव आएगा वो यहाँ से एच ले लेगा, लॉस ऑफ एच बी आर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन में, कीटोन वापस आ गया इसमें, यहाँ पर न्यूट्रल होगा ऑक्सीजन और ब्रोमीन आपका रह जाएगा। ये हुआ हमारा पहला प्रोडक्ट सी। अब सी के बनने का क्या होता है, यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में हीट करने पे क्या होता है, लिथियम कार्बोनेट आल्सो प्रोवाइड बेसिक मीडियम, तो यहाँ पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कर देगा, टी टू टाइप का रिएक्शन होगा एलिमिनेशन का, और क्या बन जाएगा इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन में। ये हुआ हमारा प्रोडक्ट रिएक्शन के लिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन एज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन डी। तो ये सी और ये डी, ये हमारी कहानी खत्म होती है क्वेश्चन 23 के लिए। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एक आपको नया रिएक्शन मिला सीखने को यहाँ पर, कि अगर कीटोन से एल्डिहाइड होते हैं, हम ऐड करते हैं ब्रोमीन को CH3COOH के प्रेजेंस में, तो क्या होता है अल्फा हैलोजनेशन रिएक्शन होता है। यहाँ पर हमारा ब्रोमीन ऐड हो जाएगा अल्फा पोजिशन पर इनके प्रेजेंस में। होता कैसे है, पहले कीटोन से इनॉल बनाइया, इनॉल बना के एक ब्रोमीन और हैलोजन ऐड करते हैं इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड पर, ऊपर आएगा प्लस चार्ज, फिर जो सेकंड हैलोजन नेगेटिव आयन होगा वो एच ले लेगा यहाँ से, और कीटोन आपका वापस आ जाएगा इसमें, ऊपर न्यूट्रल हो जाए, ऊपर इलेक्ट्रॉन मिलने के बाद क्या हुआ, चार्ज खत्म हो जाएगा और ये बनेगा पहले प्रोडक्ट। तो ये हमारा रिएक्शन होता है अल्फा हैलोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एंड CH3COOH। तो ये हमारा 23 खत्म होता है। अब आते हैं 24th पे। 24th में क्या है, देखिए अब थोड़ा सा मैंने कंजूसी कम कर लिया यहाँ पे स्पेस में जाके। अब यहाँ पर क्या है, इसको हीट करने पे क्या होता है, ये कंपाउंड कैसा है अल्फा बीटा, ये बीटा कीटो एसिड है, तो पहले डायरेक्टली क्या हुआ हीट करने पर रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सीलेशन COOH और यहाँ पे रह गया कीटोन खाली, ये हमारा कंपाउंड आपका आ गया ई। ऑन हीटिंग क्या हुआ रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सीलेशन। अब क्या रहेगा ब्रोमीन से, जो हमने कुछ देर पहले रिएक्शन किया था पिछले केस में, तो जो अगला स्टेप होगा रिएक्शन का ब्रोमिनेशन करने पर क्या होगा, लॉस ऑफ एच बी आर अल्फा हैलोजनेशन रिएक्शन, रिएक्शन क्या होगा अल्फा हैलोजनेशन रिएक्शन, एक बी आर बन जाएगा यहां पर, सॉरी नेक्स्ट रिंग के अंदर एक बी आर लगेगा अल्फा पोजीशन पर और यहां पे सीओ ओवर ग्रुप रहेगा कंपाउंड में, ये होगा हमारा कंपाउंड एफ। अब ने एफ पर अगला रिएक्शन किया किससे, अल्कोहलिक KOH में हीट किया, तो क्या होगा इसमें रिएक्शन डीहाइड्रोहैलोजनेशन एलिमिनेशन कर देगा फिर से, यहां पर प्रोडक्ट में कंजुगेशन आएगा तो रिएक्शन रेड भी होगा COOH डबल बॉन्ड कीटोन प्रोडक्ट, ये हमारा कंपाउंड हो गया इसमें जी। आई होप ये क्वेश्चन में आ गया होगा। अब आते हैं हम 25 क्वेश्चन के ऊपर, आप आराम से वीडियो पोस्ट करके नोट करते रहिए, मैं आगे चलता हूं। देखिए यहां पर क्या है 25 के अंदर, पहले हमने बनाया इसमें ऑक्साइम, ऑक्साइम तो सिमेट्रिकल बनेगा जैसे बनाएंगे बना लीजिए H। अब यहां पर क्या है एच एन के साथ में हीट करने पर कौन सा रिएक्शन होता है, रिएक्शन होगा बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, क्या होता है माइग्रेशन का क्या बनेगा इसमें साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा इसमें, साइक्लिक अमाइड्स को तो लैक्टेम बाय रिएक्शन ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट, इसका मैं आपको ऑलरेडी पढ़ाया मैकेनिज्म, उसको आप अप्लाई करते हैं अप्लाई मैकेनिज्म ताकि ये प्रोडक्ट आपका ठीक बन जाएगा। ये हुआ हमारा कंपाउंड आई।
एच आई हो गया, अब अगला है एल ए एच। देखो शॉर्ट नाम होता है एल आई एल एच फोर का, एल ए एच लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसको हम लिखते हैं कई बार एल ए एच, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एल आई एल एच फोर का ही एक शॉर्ट फॉर्म होता है एल ए एच लिखना। तो क्या होता है इसका, अमाइड बिकम अमीन्स, तो आपको यहाँ पे एन एच रह जाएगा, ये कीटो नहीं है अमाइड ग्रुप है, तो अमाइड का सीओ रिड्यूस होगा सी एच टू ग्रुप में, और यहाँ पे हमारा ये अमीन सेकेंडरी मीन बनेगा इस रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जे, ये वो हमारा सीरीज का लास्ट प्रोडक्ट जे। एक्चुअली सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, यहाँ पर ऑप्शंस क्वेश्चन में दिए हुए थे, मैंने ऑप्शंस हटा दिए हैं, खाली पूछा था कि जे क्या होगा, निकाल कर आराम से। तो ये हमारे क्वेश्चन खत्म करते हैं, तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, रिएक्शन का थ्योरी को ध्यान से पढ़िए एक बार है, आप थ्योरी को ध्यान से पढ़ते रहेंगे क्वेश्चन करने में आपको कम से कम प्रॉब्लम आएगी, और थोड़ा प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ ना समझाने के लिए, आपको ऑनलाइन भी आपका सपोर्ट मिलेगा पूरा डाउट के लिए, ठीक है। चलिए हम ये टॉपिक फिलहाल क्लोज करते हैं, जेईई मेन और नीट के लिए प्लस बोर्ड के लिए।